नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अखिल फार्मेसी की ओर से आने वाले कुष्ठ राक्षस तेल के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो तेल बनाया गया है ये विशेष रूप से त्वचा से संबंधित रोगों में काफ़ी लाभदायक होता है, कुष्ठ रोगों में काफ़ी उपयोगी तेल होता है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें यूज किया गया है पारा, गंधक, कुट, सतोना, चीता, सिंदूर, लहसुन, हरताल, बावची, अमलतास, ताम्रभस्म, काले तिल। इन सारे चीज़ों को मिलाकर इन सब की जो मात्रा है वो 1-1 ग्राम है और काले तिल के जो तेल है उसकी मात्रा 50 ml है। इन सब को मिलाकर ये 50 ml की बोतल बनाई गई है। ये यूजफुल है स्किन से संबंधित समस्या में। इसका इस्तेमाल आपको गुप्त अंगों में खाज खुजली या घाव हो, जल्दी ठीक नहीं हो रहे हो उस प्रकार की समस्या, सूजन का होना, इसके अलावा चर्म रोग, सभी प्रकार के चर्म रोग, एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस, सफ़ेद दाग होना, फोड़े फुंसियाँ होना, या पुराने जख्म है उसके दाग हो या पुराने जख्म ठीक नहीं हो रहे हो, ऐसे सभी प्रकार के जो चर्म रोग है उसमें ये जो दवाई है वो काफ़ी यूजफुल है। इस दवाई का आपको सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है, इसको किसी भी प्रकार से आपको ओरली लेना नहीं है। जहाँ पर भी आपके त्वचा से संबंधित समस्या है उस जगह पर इस तेल को आपको लगा के छोड़ देना है। अगर हम इसके कीमत की बात करें तो 50 ml की सीसी आपको 248 रुपये में मिल जाएगी। इसको अगर आपको मंगाना है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, उसको कॉल करके आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर 2 साल तक आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा गर्म जगह पर या बहुत ही ठंडी जगह पर रखना नहीं है, इसको आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाले अपने घर में कमरे में इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी अखिल फार्मेसी की तरफ से आने वाले कुष्ठ राक्षस तेल के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।